हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गॉव जॉब टाइमलाइन। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल गॉव जॉब टाइमलाइन पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज यानी कि 12 जून आज की टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की जो टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब है उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो पहला रिक्रूटमेंट है, दोस्तों आज का पहला रिक्रूटमेंट आपका एसएससी की तरफ से आया है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है। यहाँ पे दोस्तों जो पोस्ट नेम है वो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, जहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो है टोटल 6400 है। आपका कांस्टेबल मेल कांस्टेबल के लिए 5000, फीमेल कांस्टेबल के लिए 1000 और आपका सब इंस्पेक्टर के लिए 400 यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया है। आपका जो पे स्केल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे स्केल कांस्टेबल के लिए आपका हो जाएगा 21,700 से लेके 69,100, सब इंस्पेक्टर के लिए हो जाएगा 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये आपका हो जाएगा पे स्केल। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका कांस्टेबल के लिए 12 पास और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट है यहाँ पे केवल क्वालिफिकेशन। दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें, कांस्टेबल के लिए 18 से लेकर 25 साल रखा गया है, सब इंस्पेक्टर के लिए 21 से लेकर 27 साल रखा गया है और दोनों एज दोस्तों आपका 1 जून 2019 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। और दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की तो जॉब लोकेशन आपका हरियाणा में होगा। दोस्तों, अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी जो है दोस्तों कांस्टेबल मेल के लिए आपका 100 रुपीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रखा गया। अगर हम रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 25 रुपया फ़ी रखा गया है। कांस्टेबल फीमेल के लिए आपका जनरल के लिए 50 रुपये और रिजर्व के लिए यहाँ पे दोस्तों आपका 13 रुपये फ़ी रखा गया है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें एसआई मेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे दोस्तों जनरल के लिए 150 रुपये यहाँ पे दोस्तों आपका फ़ीस रखा गया है, रिजर्व के लिए 35 रुपये फ़ीस रखा गया है। एसआई फीमेल के लिए कोई यहाँ पे नहीं दिया गया दोस्तों, जनरल के लिए 75 रुपये और रिजर्व के लिए 18 रुपीज़ यहाँ पे फीस रखा गया है। पे आपको करना पड़ेगा थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ये एसबीआई के थ्रू आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेक्शन मोड की तो सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अप्लाई मोड जो है दोस्तों ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से के डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से के डायरेक्टली आप जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसका जो ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है दोस्तों, ये 12 जून यानी कि आज से ये स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन वो 26 जून 2019 को रखा गया है। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट 28 जून 2019 को रखा गया है आपका फ़ी पेमेंट करने का। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बात करें सेकंड जो आपका रिक्रूटमेंट आया दोस्तों, ये सेकंड रिक्रूटमेंट एनसीएल रिक्रूटमेंट आया दोस्तों, जहाँ पे नॉर्दर्न कोलफील्ड की तरफ से बहुत ही बम्पर वैकेंसी जारी कर दिया गया है। 2484 वैकेंसी यहाँ पे जारी किया गया है ट्रेड अप्रेंटिस पोस्ट के लिए। यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन केवल ही केवल 8वीं पास, 10वीं पास और ITI आपने की है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पे दोस्तों 16 से लेकर 26 साल रखा गया है अकॉर्डिंग टू 1 सितंबर 2018 के हिसाब से। आपका जॉब लोकेशन हो जाएगा मध्य प्रदेश में। एप्लीकेशन फ़ी कोई भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के बेसिस के ऊपर, नो एग्ज़ाम नो इंटरव्यू, आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। दोस्तों, यहाँ इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों NCLCIL.in है, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF है वो भी दे दूंगा और अप्लाई ऑनलाइन करने का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 11 जून से ये स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट रखा गया है 10 जुलाई 2019 को। उसके बाद दोस्तों, आज का जो 3 नंबर है दोस्तों आपका रिक्रूटमेंट है वो है BOATSR की तरफ से ये वैकेंसी जारी किया है, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट नेम है ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे टोटल 500 वैकेंसी जारी कर दिया गया है, जहाँ पे दोस्तों आपका जो अप्रेंटिस टाइम का आपका पर मंथ जो आपका स्टाइपेंड हो जाएगा 3,542 और 4,984 रुपये आपका स्टाइपेंड हो जाएगा। क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे BTEC और डिप्लोमा रखा गया है, BE BTEC और डिप्लोमा। एज लिमिट आपका एज पर अप्रेंटिसशिप रूल के हिसाब से यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। आपका जॉब लोकेशन हो जाएगा दोस्तों आपका चेन्नई तमिलनाडु में आपका जॉब हो जाएगा। आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, केवल केवल मेरिट के ऊपर यहाँ पे एग्ज़ाम सिलेक्शन होगा। अप्लाई मोड जो है दोस्तों, अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, वहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। अगर स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन की मैं बात करूँ तो 10 जून से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट 24 जून रखा गया है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन वो दोस्तों आपका 26 जून रखा गया है। आपका NHTS पोर्टल से अगर आप करना चाहते हो तो 24 जून रखा गया है। अगर दोस्तों आप ये पूरा फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और मैं डिस्क्रिप्शन पे अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो।
दोस्तों उसके बाद जो चार नंबर रिक्रूटमेंट आया दोस्तों, ये WAPCOS रिक्रूटमेंट की तरफ से वैकेंसी जारी किया है, यानी कि वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विस की तरफ से रिक्रूटमेंट आया है। पोस्ट नेम जो दोस्तों है वाटर सप्लाई एक्सपर्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे मेंशन कुछ नहीं किया गया है दोस्तों। पे स्केल आपका अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है। क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे BE BTEC बताया गया है। एज लिमिट एज पर WAPCOS के रूल्स के हिसाब से होगा। जॉब लोकेशन हो जाएगा पटना बिहार में। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। यहाँ पे सिलेक्शन होगा पर्सनल इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अप्लाई मोड जो है दोस्तों यहाँ पे अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन होगा, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों www.wapcos.gov.in है। इम्पॉर्टेंट डेट जो है दोस्तों लास्ट डेट टू अप्लाई 20 जून 2019 रखा गया है। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो दोस्तों। यहाँ पे दोनों लिंक मैं दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों पाँच नंबर पे जो नोटिफिकेशन आया दोस्तों, EPFO की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसी आया है। यहाँ पे पोस्ट नेम है सेक्शन सुपरवाइजर। टोटल वैकेंसी 1991 वैकेंसी दिया गया है। पे स्केल दोस्तों यहाँ पे कुछ डायरेक्टली कुछ नहीं बताया गया है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दोस्तों ग्रेजुएट मांगा गया है। आपका एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल मांगा गया है। जॉब लोकेशन आपका ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर आप एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए ₹500 मांगा गया है। SC ST PWD EWS और फीमेल कैंडिडेट के लिए ₹250 यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है। सिलेक्शन आपका होगा एग्जाम के थ्रू। आपका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है www.epfindia.gov.in। अप्लाई करने का जो लिंक है दोस्तों 5 जून 2019 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट यहाँ पे 23 जून 2019 रखा गया है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर फॉर डेट 18 जुलाई 2019 रखा गया है। एग्जाम डेट आपका 27 जुलाई 2019 रखा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद 6 नंबर पे जो वैकेंसी आया दोस्तों, यहाँ पे PMC रिक्रूटमेंट की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे पोस्ट नेम जो है Group C, Group D, क्लार्क, लाइनमैन, पंप ऑपरेटर, बेल्डर, माली, मेट, सिविल, स्किल्ड हेल्पर, पियन, सफाई कर्मचारी की तरफ वैकेंसी जारी किया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे 350 है। दोस्तों यहाँ पे हम पे स्केल की बात करें तो 10,300 से लेकर 34,800 प्लस 3,200 आपका ग्रेड पे हो जाएगा क्लार्क के लिए। पंप ऑपरेटर के लिए 5,910 से लेकर 20,200 प्लस 2,400। लाइनमैन के लिए 6,400 से लेकर 20,200 प्लस 3,700 ग्रेड पे। ग्रुप डी के लिए बेल्डर, माली, मेट, सिविल, स्किल्ड हेल्पर, पियन, सफाई कर्मचारी के लिए यहाँ पे दोस्तों 4,900 से लेकर 10,680 प्लस 1,650 यहाँ पे आपका सैलरी हो जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपका केवल ही केवल 8वीं पास 10वीं पास ITI ग्रेजुएट किया है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट आपका 18 से लेकर 47 ईयर्स रखा गया है। आपका जॉब लोकेशन हो जाएगा पंजाब में दोस्तों यहाँ पे। अगर आप एप्लीकेशन फ़ी जो है दोस्तों यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है। जो आपका सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अप्लाई मोड जो है दोस्तों ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डेट जो है दोस्तों लास्ट डेट फॉर अप्लाई यहाँ पे 20 जून 2019 रखा गया है। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली ये PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों 7 नंबर पे जो वैकेंसी आया दोस्तों, यहाँ पे UPSC की तरफ से वैकेंसी जारी किया, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। यहाँ पे पोस्ट नेम हो गया दोस्तों असिस्टेंट डायरेक्टर और प्रोफेसर। यहाँ पे बहुत वैकेंसी के बारे में कुछ डायरेक्टली नहीं बताया। पे स्केल आपका पे लेवल 10-13 के हिसाब से होगा। आपका क्वालिफिकेशन MSc MBBS होना चाहिए। एज लिमिट 35 से लेकर 50 साल ऑन 27 जून 2019। जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया होगा दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी जो है दोस्तों जनरल और OBC के लिए ₹25, SC ST PH वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। आप एप्लीकेशन फ़ी जो है दोस्तों यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू दे सकते हैं। सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू। अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है www.upscionline.nic.in। लास्ट डेट है दोस्तों 27 जून 2019 को रखा गया है। अगर आप ऑफिशियल नोटिस पढ़ना चाहते हो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, उसके साथ साथ अप्लाई लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें 8 नंबर जो वैकेंसी आया है, AIIMS रिक्रूटमेंट की तरफ से आया है, यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से ये वैकेंसी आया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन ऋषिकेश असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का ये वैकेंसी जारी किया है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर कुछ बताया नहीं है दोस्तों। पे स्केल आपका बहुत ही बम्पर पे स्केल यहाँ पर दिया गया दोस्तों, 44,900 से लेकर 1,42,400 यहाँ पर आपको पे स्केल मिल जाता है लेवल 7 के हिसाब से। क्वालिफिकेशन केवल ही केवल ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है। एज लिमिट 40 साल रखा गया है दोस्तों। आपका एज जॉब लोकेशन हो जाएगा ऋषिकेश उत्तराखंड में दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ी जो है SC ST PWD
वोमेन के लिए कोई फ़ी नहीं है, ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 2,000 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रखा है। एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं। सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू होगा। अप्लाई मोड आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं aiims.edu.in। स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 8 जून से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट 22 जुलाई 2019 को रखा गया है। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। उसके बाद 9 नंबर पर जो दोस्तों वैकेंसी आया, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट्स काउंसिल की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पे पोस्ट नेम है दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनी। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे वेरियस दिया गया है। पे स्केल आपको बहुत अच्छा मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पे 30,000 से लेकर 50,000 पर मंथ आपको पे स्केल मिल जाता है। क्वालिफिकेशन बीएससी बीटेक रखा गया है। एज लिमिट 30 ईयर्स एज ऑन 25 जून 2019। जॉब लोकेशन आपका हो जाएगा न्यू दिल्ली। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं है। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के थ्रू होगा। अप्लाई जो मोड है वो ऑफलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है birsc.nic.in है। लास्ट डेट है दोस्तों 25 जून 2019 के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से लेकर डायरेक्टली आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। लास्ट जो है 10 नंबर दोस्तों यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया दिया दोस्तों। इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट, इंडियन आर्मी यहाँ पे दोस्तों सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लार्क, इस कैटेगरी वैकेंसी जारी किया गया है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में कुछ डायरेक्टली नहीं बताया गया है। पे स्केल के बारे में कुछ नहीं बताया गया है दोस्तों। क्वालिफिकेशन यहाँ पे दोस्तों 10वीं पास 12वीं पास। यहाँ पे दोस्तों मिनिमम 17.5 ईयर्स से लेके मैक्सिमम 23 ईयर्स मांगा गया है। आपका जो जॉब लोकेशन होगा हरियाणा होगा। एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों जो है नो फी है यहाँ पे। सिलेक्शन आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट के थ्रू होगा। अप्लाई मोड जो है दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in है। लास्ट डेट जो रखा गया दोस्तों 4 जुलाई रखा गया है। रीड डेट 20 जुलाई टू 13 जुलाई। जो रैली होगा आपका रैली डेट है 20 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, उसके साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उसके साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।